दोस्तों 10:20 हुए हैं। अगर हम चार्ट देखें बैंक निफ्टी फ्यूचर का, आज है फ्राइडे, तो अभी देखें तो मार्केट जो है 40,935 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ चल रहा है। एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं, ओपन होने देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ये 3 मिनट का चार्ट है, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ये जस्ट नीचे आ चुका है। बेसिकली ये वीवैप के जस्ट नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट जो है वो बेयरिश यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ वॉच लिस्ट पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अभी देखे तो यहाँ अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर देखें तो अभी 40,919 के आसपास है। ठीक है, अगर एटीएम कॉल की बात करें, एटीएम स्ट्राइक प्राइस की, तो यहाँ जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा अगर हम इसे माने तो 40,900 हमारा एटीएम होगा। बट मैंने यहाँ ऐड किए हुए हैं 40,000 का पी, 39,900 का पी, तो मतलब मैंने ओटीएम यहाँ ऐड किए हुए हैं। तो मैंने एटीएम क्यों ऐड किया हुआ है? बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करें, तो बेसिकली हमें मोस्टली एटीएम में ही ट्रेड करना चाहिए। बट जैसा कि मेरे पास फ़ंड कम है, मैं आपको फ़ंड दिखाता हूँ, ओनली यहाँ 5,000 रुपीज़ हैं। तो 5,000 रुपीज़ में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं जिस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर पाऊँगा, मतलब कितना फ़ंड मुझे लगेगा, तो बेसिकली 5,000 में मैं ओनली 200 रुपये वाली कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकता हूँ। उससे ज़्यादा की स्ट्राइक प्राइस में मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ ओटीएम लिया हुआ है, यहाँ देखिए ओटीएम ऐड किए हुए हैं। ठीक है, दूर की स्ट्राइक प्राइस, बेसिकली आज फ्राइडे है, जो प्रीमियम डिके है अभी फ़िलहाल इतना जल्दी नहीं होगा, इसलिए मैंने ओटीएम में यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ। अगर हम देखें तो हमने एक ट्रेड भी लिया हुआ है, हो सकता है उसमें लॉस हो जाए। यहाँ ऑर्डर्स में एक बार चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ हमने 40,000 के पी में अभी जस्ट एंट्री लिया 183 पे। ठीक है, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 175 के आसपास यहाँ चल रहा है। हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तभी जाके हमें कुछ प्रॉफिट यहाँ होने वाला है। तो अगर आपके पास सफिशियंट फंड है तो आप एटीएम में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ओटीएम में जाएंगे तो उसमें बस एक जो आपका लॉस होगा, आपके चांसेस हो जाएंगे कि अगर प्रीमियम डिके हुआ तो बहुत तेज़ी से डिके होगा और आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मार्केट अभी 40,984 पे आ चुका है, हमने यहाँ एंट्री क्यों ली थी ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ हम इसका चार्ट ओपन होने देते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं चार्ट ओपन हो चुका है, आप यहां देख सकते हैं कि इसने यहां लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया था। तो जब ये यहां दोबारा से आए था यहां पर, तब हमने यहां पर एंट्री ली थी कि अगर ये जस्ट इसके नीचे निकलेगा तो बहुत तेज़ी से नीचे निकलेगा और हमें यहां प्रॉफिट हो सकता है। बट मार्केट जो है यहां से रिवर्स हो चुका है, आप यहां देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, अब हम लॉस देख लेते हैं हमें कितना लॉस हो रहा है। तो हम पोजीशन में चलते हैं, अभी हमने कोई स्टॉप लॉस भी यहाँ नहीं लगाया हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ 600 रुपये का यहाँ आज लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 1,000 के आसपास जब ये यहाँ दिखेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। बेसिकली अभी स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया हुआ है, देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। ये देखिए अभी बिल्कुल लगभग 40,000 पे आ चुका है, हो सकता है ये इस पिवट पॉइंट से जस्ट रिवर्स होके आ जाए, तो हम यहाँ तक वेट करेंगे। अगर इससे ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज़ ये अगर रिवर्स आएगा तो हम यहाँ देख सकते हैं, रुकने की सोचेंगे। ठीक है, तो जस्ट ये 3 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बन रही है यहाँ पर, और यहाँ जो लॉस है वो हमारा 700 के आसपास यहाँ पहुँच चुका है। तो कोई नहीं दोस्तों, लॉस होगा तो जस्ट निकल जाएंगे, अदरवाइज हम अपने ट्रेड में बने रहेंगे। तो हमारे पास अगर कम अमाउंट है तो हम ओनली ओटीएम में ही ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक्सपायरी वाले दिन में बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं कम अमाउंट से भी, क्योंकि उस दिन 10 रुपये वाला कॉल या पुट भी 100 से ऊपर 200 भी चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो 41,000 पे मार्केट यहाँ आ चुका है और इसके प्रीमियम नहीं नीचे जा रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है बट ये जल्दी जल्दी कम नहीं हो रहा है क्योंकि आज फ्राइडे है। तो
तो देखते हैं यहाँ जब तक टच नहीं होता, जब तक हम इस में बने रहेंगे। देखिए चौथी कैंडल भी हमारी ग्रीन बन रही है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। ये देखिए ये जस्ट टच करने वाला है पिवट पॉइंट को। अगर इससे बाहर निकलेगा तो हम एग्ज़िट करेंगे, डायरेक्ट एग्ज़िट कर देंगे और रिवर्स होगा तो बैठे रहेंगे। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए ये अपने पिवट पॉइंट को भी क्रॉस कर दिया है और जो वी वेब के आसपास बिल्कुल वही है, बल्कि इसने क्रॉस कर दिया है अपने वी वेब को। तो हमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए, ठीक है। 145 पे आ चुके हैं, तो हमारा ये 1000 रुपये लॉस भी लगभग लगभग यहाँ हो चुका है। तो यहाँ देखिए जस्ट क्रॉस कर चुका है। 5 मिनट के कैंडल पर देखते हैं क्या चल रहा है। 5 मिनट के कैंडल पर भी सेम यही है। अभी देखते हैं यहाँ सस्टेन करता है या ऊपर जाता है, हो सकता है वीवेब को टच करके ऐसे वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, वेट ही करना है। एक बार 15 मिनट का कैंडल और देखते हैं क्या चल रहा है सीन। तो 15 मिनट के कैंडल पे आप ये देखिए यही है, नीचे ही चल रहा है। तो हमारा लॉस लगभग लगभग 1000 रुपये का ही शो हो रहा है। तो दोस्तों कोई नहीं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, ज़रूरी नहीं मार्केट हमारे हिसाब से ही चले, बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमारे हिसाब से चलेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज़ हम लॉस लेके निकल जाएंगे। बट लॉस वाली पोजीशन में हमेशा नहीं बने रहना है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना, क्योंकि वो बड़े लॉस ज़्यादा दे जाता है। तो दोस्तों ये ऊपर जाने को रेडी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल और बनने देते हैं। ये देखिए यहाँ से रिजेक्ट होके जस्ट नीचे जा रही है, वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं ये ऊपर निकल चुका है, तो अब हम यहां एग्ज़िट कर लेते हैं, वेट नहीं करेंगे, बिल्कुल ही एग्ज़िट कर लेना है। 1000 से ऊपर लॉस यहां जा चुका है, तो हम यहां सीधे ही एग्ज़िट करते हैं, नीचे जाएगा। तो 138 के भाव पर हमने मार्केट भाव पर एग्ज़िट कर दिया है, काफ़ी लॉस हो गया, लगभग लगभग 40 से ज़्यादा पॉइंट्स का हमें यहाँ लॉस हुआ है, तो 1000 रुपीज़ यहाँ लॉस हो चुके हैं। तो दोस्तों आज इतना ही ट्रेड करेंगे, अगर कोई मिलता है ट्रेड तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ आज के लिए तो यही है। की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।